ये बोलो कि भाई वीडियो इतनी लेट क्यों है। तो मैं पहले ही मतलब कुछ बहाने सोच कर लाया हूँ। तो बहाना नंबर पहला यार मेरा यही है कि यार पहले तो मुझे कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था यार इस गेम के रिलेटेड, पर मुझे मिल चुका हुआ है। और बहाना नंबर टू कि जो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर था यार वो क्रैश कर गया, अब उसको ठीक किया मैंने। और बहाना नंबर तीन कि दोस्तों आपका भाई ना एनिमेशन सीरीज देख रहा था यार इंग्लिश, तो मैंने बहुत सारी एनिमेशन सीरीज देखी, मुझे बहुत मज़ा आया इन 2 हफ्तों में मैंने वही किया। मुझे नहीं पता इतना लंबा खींचा चला जाएगा यार, इसी वजह से मतलब मैं लेट हो गया वीडियो के लिए। साथ में मेरे को टॉपिक नहीं, मेरे को अच्छी गेम नहीं मिल रही थी, पर मैं अब आपके लिए लेके आया पोकेमॉन स्टेडियम सॉल्ट की बेस्ट अच्छी गेम है दोस्तों, बेस्ट सीरीज वाली गेम है स्टेडियम सॉल्ट की। इसमें हम ऐश होंगे जितना मैंने पढ़ा है, बाकी तो गेम में जाके पता लगे, पर जितना मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक यही है कि इसमें हम ऐश कैचम होंगे। बाकी देखते हैं इसका करेक्टर क्या शो करता है। यार इन्होंने तो मैं उल्लू बना दिया यार ये। हाँ ये ऐश है, टॉपिक में लिखा हुआ है। बाकी यार असली गेम तो मतलब निकालनी चाहिए इनको ऐसे की। पहले नाम भर लेते हैं यार। और यार जो मैंने वीडियो डिले की ना उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी यार, दिल से माफ़ी मांगता हूँ यार, इतना डिले मुझे नहीं करना चाहिए था वैसे, पर क्या करूँ यार जब कोई टॉपिक भी ना मिले उसके बाद मतलब मैं क्या करता यार। अब मैं कोई ऐसी घटिया से मूवी डाल नहीं सकता था आपके लिए, पर जैसे मुझे लगा कि हाँ आपने डाल सकते, मैं टेकन 6 के डालने वाला था, मेरा सोच में था, पर जैसे स्क्रीन रिकॉर्डर क्रैश मार गया उसके बाद मतलब मैं वो भी डाल नहीं पाया। और साथ में ये रहा हमारा करेक्टर, हम ऐश ही हैं इसमें दिखा रहे हैं। पीसी बॉक्स में देखते हैं विशिंग स्टार, तो विशिंग स्टार मिल चुका है, हम चलते हैं बाहर। और दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा। और यार दोस्तों अगर चैनल में वीडियो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, हम 500 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं यार। फटाफट भाई के 500 सब्सक्राइबर कर दीजिए अपने भाई के यार, और बस हमारी इससे हमारी पोकेमॉन फैमिली का हिस्सा बन जाइए, हम पोकेमॉन के रिलेटेड ऐसे चलाते रहते हैं। और साथ में दोस्तों पोकेमॉन क्वेश्चन पूछना तो आज का भूल ही गया दोस्तों, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो होने वाला है दोस्तों, अगर बी पोकेमॉन हार्ट फैन होंगे तभी जवाब दे पाओगे, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। तो दोस्तों अगर आपने क्वेश्चन का जवाब दे दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लकी हुए तो मैं आपका टॉप 5 में नाम दूंगा। अगर मतलब वो टॉप 5 अगर पहले आपका कमेंट आएगा यार तो ये तो फायर एडमिन ना यार, इन लोगों को ना कुछ मसाला चीज लेके आनी चाहिए, पर ये लोग ना वही किसी भी चीज़ को ना दोबारा रिटर्न करते हैं, गुस्सा बहुत आता है, और कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो 3 पोकीबॉल्स होंगे, मतलब हमें मतलब जैसे ऐश ने पोकी पड़ता है वैसे, पर हमें ड्रैगनाइट ढूंढना पड़ेगा जाकर, और वही गेंगार गुंगो ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे पिकाचू नहीं मिला अभी तक मुझे मेरे हिसाब से। तो हाँ ये हमें वैसे ही पोकीबॉल देंगे, भले ही हम ऐश हो फिर भी हमें ये पोकीबॉल लेने पड़ेंगे। ये फायर टाइप तो हमें नहीं मिलता ऐश को, मेरे मुताबिक मैंने सीरियल शॉट देखी है ये भी नहीं मिलता है, शायद ग्रोकी ऐश को मिल सकता है यार। ग्रोकी अगर ऐश को मिलता है यार बहुत अच्छी बात है, ग्रास और फलने पोकीबॉल ऐश के पोकीबॉल में आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ऐश इसे विकसित करें थर्ड स्टेज तक, ऐसे ऐश मेनली उसके पोकेमॉन कम ही होते हैं ऐसे। अब चलते हैं यहाँ से 5 टाइम एनी टाइम गैरी आ जाओ, देख गैरी अगर तू मुझे अब हराएगा तो तू पोकेमॉन लीग पे। अरे भाई मेरे हम ऐश ही हैं, हम ऐश ही हैं यार, ये हुई ना कुछ तूफानी बात। बस पिकाचू मिल जाए, पिकाचू मिल जाए, और मेरे हिसाब से लुकारियो, हाँ लुकारियो मिल जाए, और बाकी डिफरेंट पोकेमॉन जो अभी तक हमें चाहिए जो ऐश ने अभी तक पकड़े हैं मेरे हिसाब से वो हमें सब चाहिए। ओ नो नो यार ये ऐसा ही होता है मेरे साथ। ये हुई ना बात, अब आ रहा ना मजा। बस यार पिकाचू मिल जाए, पिकाचू मिल गया फिर तो लाइव झींगा लाला। चलो गैरी तुम हारते ही जाओगे, तुम जीत नहीं पाओगे कभी भी हमसे। चलो जी गैरी तो चला गया यहाँ से, अब चलते हैं हम भी। अब देखते हैं हमें पॉकेट पोकीबॉल्स नहीं मिले, और साथ में मेरा मेन पोकेमॉन पिकाचू नहीं मिला है मुझे।
वो हमें ढूंढने पड़ेंगे आगे जाकर। जैसे मतलब वो स्टोरी वैसी नहीं होगी, स्टोरी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है इसमें, इसकी स्टोरी का तो मुझे लगता है डिफरेंट ही होगी। मुझे जो ये पिकाचू पोकीमोन तो सारे नए रीजन के ही होंगे, पर मुझे वैसे ना ग्लाइड रीजन के इतने पोकेमोन पसंद नहीं है। हाँ फर्स्ट टाइम पोकेमोन तो बहुत अच्छे हैं वैसे, वैसे अपनी थिंकिंग को तो मुझे ज़्यादा एक्स एंड वाई के पसंद है, ठीक है मेगा एवोल्यूशन, पर इसमें भी होते हैं बड़े बड़े पोकेमोन बन जाते हैं, वो उसका वजन क्या बोलते हैं। पर ऐश ने जो पिकाचू को बनाया था, पूछ ले गया ऐश की पिकाचू जी गया था ना मारने के लिए, बड़ा जीसा लगा था। और ये आ गए हम विरेडन सिटी, बस बस ट्रेन टिकट में इतनी ट्रेन टिकट नहीं चाहिए, हमारे घड़ा भर जाएगा पाप का। ओ ये हुई ना कुछ अनोखी बात, ये तो मतलब वैसे ही पार्सल देगा, जल्दी दे यार मेरे भाई जल्दी दे, हमारे पास टाइम नहीं है इतना। थैंक यू ब्रू इतना मदद करने के लिए, अब बाद में मिलते हैं। प्रोफेसर मैं आ रहा हूँ, मैं भाग कर आ रहा हूँ, भागा भी नहीं जा रहा, हम बी बटन पर क्लिक तो किया हुआ है पर भाग ही नहीं पा रहे हैं। फ्लैशलिंग नहीं, हमें चाहिए फारफेश, वो वाला ग्रेड रेंज वाला फारफेश मिल गया ना, मैं कहूँ लॉटरी लग जाएगी। वैसे फारफेश अच्छा है, मतलब थोड़ा सा बड़ा भी, बाकी सिंपल फारफेश से मतलब कहते हैं उस चीज के फारफेश थोड़े बड़े ही होते हैं। वैसे मुझे लगा नहीं था कि आज फारफेश पकड़ सकता है, इतना सोचा नहीं था मैंने। ऐसे वैसे पोकेमोन जो बनाते क्रिएटर उनकी सोच ही अलग होती है यार, उनका तो कुछ कहना ही मतलब ओपी कहते हैं यार, ओपी के वो यार ओपी बात है यार। तो प्रोफेसर ओक को हमने डिलीवर कर दिया हुआ है, ओके ओके बस 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 आज का इतना बात काफी है। हाँ इसकी मॉम से टाउन मैप ले लेंगे हम, पर अच्छी बात है कि हम इसमें ऐश तो दिख रहे हैं हम। ये कुछ समझ नहीं आया, ओ मतलब अपना नाम खोलेंगे तो गेम दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि हम नाम ही ना खोलें। तो भाई बैचेस का कैसे पता चलेगा, तो मुझे पता था ये कोई ना कोई गेम में कोई ना कोई लोचा होता ही जरूर है, तो मतलब बिना बैच को खोले हमें सारे बैचेस इकट्ठे करने हैं और याद रखना है कि कौन सा बैच किस टाइम पे लिया गया है, और लगता है मतलब वीडियोस के बीच में हमें मतलब बैचेस के नाम भी लिखने पड़ेंगे। वाओ तो विरेडन सिटी का पोकेमोन सेंटर कहाँ है? ओके वाओ मार्ट भी, ये मार्ट है क्या भाई मेरे, तुम हो कौन? ओ हम ट्रेड करवा सकते हैं पोकेमोन को, तो एक पोकेमोन पकड़ के देखते हैं फिर देखते हैं ट्रेड क्या हो सकता है। एक सिंपल पोकेमोन मिल जाए तो भी चलेगा, ये यही चलेगी मेरे को, ये जो भी है रूमल रूमल ना लिख देते हैं लोग। बस पिकाचू मिल जाए सौदे के टाइम, मतलब फैली डेटा सीधा तो इसको ट्रेड करके देखते हैं फैली भी। वाओ रुक जा रुक जा रुक जाओ, एरॉन वाओ मतलब सच में
टोरकू से तो काम बन जाएगा मेरा, मतलब मैं इसकी आड़ में कोई भी पोकेमोन निकाल सकता हूँ अपना जब मर्जी। नहीं वाओ, चलो हो मिल गई हमें। मतलब फुल कॉमेडी 5 लेवल की हो। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए किसी को। मतलब एक भद्दा पोकेमोन पकड़ो और उसके बदले में पोकेमोन पाओ, ये तो अच्छी स्कीम है यार। मैं तो वही बात होगी, राजू भाई कहते थे 25 दिनों में पैसे डबल। अरे यार ये अंकल समझा रहा है, हमें पोकेमोन पकड़ हम ट्रेड भी कर चुके हैं, मुझे नहीं सीखना है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे करना क्या है, हमारा यहाँ का काम तो हो चुका है, जिम है बंद और अब हम चलते हैं यहाँ से। अरे यार ये एप्पल चैप्पल ना मुझे मत दिखाओ, मेरा मन नहीं है सिखाने का। विर्डन सिटी में आपका स्वागत है, मतलब विर्डन फॉरेस्ट में। यहाँ पे बग टाइप पोकेमोन उड़ सकते हैं, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, यात्री अपने समय खुद जिम्मेदार होंगे। ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और यार इनसे बच बच के जाएंगे ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो बहुत फटके पड़ेंगे। वाह 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 वाह, 8 लेवल लड़ी भी और कुछ। लगता बिना बैटल किए हम बच बच के निकल जाएंगे। लगता है एक बैटल तो करनी पड़ेगी, जो आगे ये पार्टी खड़ा की रखा है इन लोगों ने, पुलिस वाला। इस टोपी वाले को हराना होगा, आ जा मेरे भाई, गेम से कर दो तेज, जल्दी हार जाएगा। ओ मैन, और कोई मजाक मेरे साथ, मैं आता हूँ वापस थोड़ी देर में, इसको हरा कर ही आऊंगा। और इसी के साथ बीट रिल खत्म। अच्छा वो मर गई यार, बहुत यार तंग किया। सदमे में मुझे पिकाचू मिल चुका, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत बढ़िया ग्रो की, और ये देखिए हमारी टीम में हमारा बड़ी आ चुका है पिकाचू, गुड जॉब। ये हुई ना अच्छी बात, और आप जाके पोकेमोन सेंटर में एचपी फुल करवा लेते हैं यार। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको